एक विद्यार्थी का सपना होता है कि पढ़ाई करने के बाद नौकरी कर अपना भविष्य संवारे, लेकिन कई बार ऐसा कुछ हो जाता है कि उसके सपनों पर पानी फिरता हुआ नजर आता है। ऐसा ही देखने को मिला इंदौर में, जब कई विद्यार्थी संविदा शिक्षक के अलग अलग संवर्ग में पास हो गए, लेकिन बीएड की परीक्षा में उनको एटीकेटी दे दी गई। इसी पर देखिए हमारी यह रिपोर्ट। ये छात्र यूं ही देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के चक्कर नहीं लगा रहे और ना ही यह किसी छात्र संगठन के धरना प्रदर्शन में नारेबाजी कर रहे हैं, बल्कि इनकी पीड़ा बिल्कुल अलग है, क्योंकि इन्होंने संविदा शिक्षक परीक्षा को पास कर लिया है, लेकिन जब इनका बीएड का रिजल्ट आया तो इन छात्र छात्राओं को एटीकेटी दे दी गई। बस में आओ, भविष्य को बर्बाद मत करो, मत करो, मत करो। सरकारी नौकरी को बचाना है, बचाना है, बचाना है। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं का कहना है कि उनके सामने काफी बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है, इसलिए उनकी गुहार पर सीएम शिवराज को संज्ञान लेना चाहिए। कई बार माननीय कुलपति महोदया से चर्चा करने के बाद उन्होंने हमारी इस मांग को पूरा नहीं किया। अब हम फोटो के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हम भोपाल जाकर उनसे मिलने में तो सक्षम नहीं है, तो इसलिए फोटो के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम उनके फोटो के सामने प्रार्थना करके उन तक हमारी बात पहुंचाना चाहते हैं। क्या बात है आप लोगों की? हमारी एक ही मांग है कि स्पेशल एटीकेटी की एग्ज़ाम करावी जावे, और इसलिए करावी जावे क्योंकि मतलब 11 साल बाद वर्ग 3 की वैकेंसी आई है, और उसमें हमको मतलब 4th सेम पास चाहिए, तो इसलिए हम स्पेशल एटीकेटी की मांग रखते हैं। हमारी मांग है कि हम वर्ग 3 में पास हो चुके हैं और हमें बीएड 4th सेम और 2nd सेम में अधिकतर विद्यार्थियों को एटीकेटी दी गई है, और जिसके कारण से हम वर्ग 3 की प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी और कुलपति मैम से ये हमारी मांग है कि हमें स्पेशल एटीकेटी करा के हमें सकारात्मक परिणाम देने का कष्ट करें। वहीं छात्र छात्राओं को कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है, जिसको लेकर युवा कांग्रेस नेता जावेद खान का कहना है कि इस मामले में प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं को न्याय मिलना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश में एक बड़ी ही विडंबना देखने को मिल रही है कि एक ओर तो रोजगार आते नहीं है सरकारी, और दूसरी ओर सरकारी रोजगार में, सरकारी भर्ती में यदि युवा सिलेक्ट होता है अपनी मेहनत कर्म के बल पर, उस युवा को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय या सरकार की तरफ से ऐसा छलावा मिलता है जिससे वो अपनी सरकारी नौकरी से दूर हो जाता है। हम लोग देख रहे हैं कि बीएड 4th सेम का रिजल्ट खराब हुआ, उसका रिवेल का रिजल्ट जो है वो युवाओं की इच्छा के अनुरूप नहीं हो पाया। उसके बाद जब छात्र एटीकेटी प्राप्त करते हैं और उसी समय पर वर्ग 3 में क्वालिफाइड भी हो जाते हैं, तो क्या देवी अहिल्या विश्वविद्यालय आँख कान नाक बंद कर रह रहा है क्या? यहाँ की जो कुलपति मैम है वो आँख पर पट्टी बांध लेती है क्या? उन्हें ये नहीं पता है कि ये छात्र सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं, और अगर इनकी स्पेशल एटीकेटी करा ली तो जो ये वर्षों से मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का फल इनको मिल जाएगा, लेकिन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति मैम आंखों पर पट्टी बांध कर बैठी हुई है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उन तक के इन युवाओं की बात नहीं पहुंचा पाई। तो आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की तस्वीर रखकर इन युवाओं से, बेरोजगार युवाओं से ये बात रखवाई है कि सिर्फ इनकी एक स्पेशल एटीकेटी यदि हो जाएगी तो ये युवा क्वालिफाइड है, वर्ग 3 में ये सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। छात्र छात्रा यूनिवर्सिटी में सीएम शिवराज सिंह चौहान का पोस्टर लेकर भी आए थे, जिन्होंने प्रतीकात्मक रूप से पोस्टर के सामने अपना दुखड़ा जाहिर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।